हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड में जो लोग इस साल मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देने वाले, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। एक्चुअली क्या है कि उनके हर स्टेप पर पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा कॉपी जांचने के दौरान, और तो जो आपका क्वेश्चन सही रहेगा उस पर आपका एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा, पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग सारी बातों को बताने आया हूँ ऑफिशियल, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बिहार के पेपर में कुछ दिन पहले पब्लिश कर बताया गया था कि हर स्टेप पर छात्रों को मिलेगा अंक, सही उत्तर पर पूरे मिलेंगे अंक। दोस्तों ये थी कुछ बातें। अब आते हैं दोस्तों इधर, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी ने सही उत्तर लिखा है तो पूरा अंक दीजिए, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा ये बताया गया है फाइनली। तो दोस्तों इसे रिलेटेड सारी बातें जान लेते हैं। तो वापस आते हैं पीछे, जहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि एसके मेमोरियल हॉल में रविवार को इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की बारकोडिंग एवं विविध उत्तर पुस्तिकाओं के बेहतर मूल्यांकन के संबंध में विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मूल्यांकन निदेशकों को निर्देशित किया कि मूल्यांकन में हर स्टेप की मार्किंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन में योगदान दे रहे परीक्षकों को मूल्यांकन के समय उपलब्ध कराए जाने वाली मार्किंग स्कीम में भी स्टेप वाइज मार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर साफ तरीके से बताया जा रहा है कि जो भी आप लोग कॉपी जो भी कॉपी चेक किया जाता है उस कॉपी में उनके स्टेप वाइज जो भी नंबर आता है उस नंबर के तहत उनको सारी नंबर दिया जाए। कुछ क्योंकि तो ऐसा होता है क्या कि जो वो आंसर लिखते हैं तो वो पूरा आंसर नहीं लिखते हैं लेकिन आधा लिखते हैं, तो उनका नंबर काट दिया जाता है, नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर साफ तरीके से बताया जा रहा है कि सभी स्टेप मार्किंग पर उनका नंबर दिया जाए। अब आते हैं तो आगे, जहाँ बताया जा रहा है कि साथ ही मूल्यांकन शुरू होते ही मूल्यांकनकर्ताओं को लिबरल मार्किंग के संबंध में बता दें कि यदि बच्चे ने सही एवं अच्छा उत्तर लिखा है तो उसे 5 से 5 अंक जरूर मिलना चाहिए। और दोस्तों देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर अगर वो पूरी तरह से सटीक लिखा है तो उसका आंसर का जो नंबर है 5 में 5 उसको पूरी तरह से दिया जाना चाहिए। जो लोग जितना भी अपना आंसर लिखते हैं उनके अनुसार उसका नंबर काटा ना जाए बल्कि पूरा पूरा उनका जो हक है उनको नंबर दे दिया जाए, ऐसा कहना है बिहार के बिहार बोर्ड के सचिव हैं आनंद किशोर जी, उनके द्वारा कहा गया है। दोस्तों आप लोग की बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इसी बीच दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों देखते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग कॉपी को चेक करते हैं या मैट्रिक का या इंटर का, तो अगर वो लोग सही तरीके से चेक करते हैं उनका जो स्टेप है उस स्टेप पर पूरी तरह से नंबर दे रहे हैं तो उनका जो 100% जो वेतन बनता है, जो भी कॉपी चेक करने का जो पैसा बनता है उनको पूरा दिया जाएगा। अगर उनको कॉपी चेक करने में किसी प्रकार रूटी पार्ट होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30% उनका जो सैलरी है या तो जो भी कॉपी चेक करने का जो पैसा मिलता है उसका उनका 30% काट कर उनको वेतन दिया जाए। तो ये था इसका वीडियो जहाँ पे मैंने आपको सारी बातें को क्लियर कर चुका हूँ कि जो लोग बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देने वाले हैं 2019 में 2020 में यानी कि जो आगे जो भी देने वाले उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने होंगे या इसी तरह का अपडेट देना होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।